हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन इकोसिस्टम के जो कंट्री बोर्ड मेंबर हैं वो आपके सवालों के जवाब क्यों देंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी कम्युनिटी है इंडिया में और वो सभी लोग अगर वन टू वन क्वेश्चन करेंगे, फ़ोन करेंगे तो काफ़ी लोग जो हैं जो IGC मेंबर हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब कोई लोग अपना काम कर रहे हैं वो क्यों आपको यहाँ पर आंसर करेंगे, तो देखिए उसके पीछे का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा रीजन है। कंट्री बोर्ड मैनेजर का मेन काम है डील चेकर पर बिजनेस को ग्रो करना, और डील चेकर पर अगर आप बिजनेस को ग्रो करेंगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना किसी बेनिफिट के ग्रो कर रहे हैं। तो डील चेकर पर जब भी हम कोई डील परचेज करते हैं, जैसे पहले कार के केस में 45 यूरो लगते थे, तो वहाँ पर 0.25% की जो फीस लगती थी वो फीस क्रेडिट हो गई IGC मेंबर और डील चेकर मेंबर्स जो हैं। तो यहाँ पर कोई भी डील जो, एक तो कैश ट्रांजेक्शन पर भी अभी चार्जेस लगे हैं, जैसे अगर कोई 1 यूरो भी मिनिमम ट्रांसफर करता है तो वहाँ पर 0.2 यानी कि आप एक तरीके से मान सकते हैं 100 रुपये पर 20 रुपये यहाँ पर कट रहे हैं। और वैसे ही डील सेकर पर 0.25% की जो फीस है, या फिर जो अभी नए रूल्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो डील की फीस रहेगी वो भी सभी कमाई जो डील सेकर बिजनेस को ग्रो करेंगे उन्हीं को मिलने वाली है। तो जैसे जो कंट्री बोर्ड के मेंबर हैं उन सबकी कमाई होगी डील सेकर पर ट्रांजेक्शन जो होंगे उसके कमीशन से, और ये फीस चार्ज की जाएगी सभी से। तो इसीलिए आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो आप कंट्री बोर्ड मेंबर से पूछ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को आपकी डील सॉल्व करने के जो है यहाँ से मतलब कंपनी की तरफ से आपके जो डील्स हैं, डील जब सेल होंगी, प्रोडक्ट जब सेल होंगे तो उस पर कमीशन मिलेगा। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं कंपनी से अर्निंग करेंगे, और इसीलिए कंपनी ने इनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपके जो IMA हैं, जो यूजर्स हैं, जो डील सेकर पर कस्टमर्स या मर्चेंट है, उनकी जो भी दिक्कत है उनका सोल्यूशन आप लोग करेंगे। ये एक तरीके से कम्युनिकेशन ही रखेंगे, जैसे कि किस तरीके से डील लगानी है, कैसे मर्चेंट को डील पर लेकर आना है, और इनको इसके लिए पेमेंट दिया जा रहा है, तभी ये लोग ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं आपके क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। चाहे आपको बिजनेस अकाउंट बनाना हो, चाहे आपको डील सेकर पर अकाउंट बनाना हो, चाहे आपको अपनी डील अप्रूव करानी हो, चाहे आपको अपना अकाउंट ओपन कराना हो, ये सारे क्वेश्चन आप इनसे कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।